तो इस दफा ये एक नया मॉडल है, लेकिन आवाम का हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। और ये एक टेस्ट केस है, इसमें जो हमारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उनको भी एक हिस्टोरिक और एक हीरोइक एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो कमिटेड हैं इस बात पर। उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि वो इसको इफेक्टिव, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो दिन रात एक करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम रमज़ान, सस्ते रमज़ान बाज़ार भी लगाएंगे, उनकी भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग शुरू होगी। और प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ को इफेक्टिव करना, उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और आज से मैं उन जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनके इजलास शुरू कर रही हूँ, ताकि जो भी मुकर्रर करदा निर्ख है उससे एक रुपया ज़ायद जो है वो आवाम को चार्ज ना किया जाए। और जनाब स्पीकर, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पंजाब के पास, बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास कोई रिलायबल डेटा नहीं है सवाए BISP डेटा के। लेकिन BISP का जो डेटा है वो तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उनको कवर नहीं करता। और क्योंकि अगर आपका जो जिसको रिलीफ पहुंचानी है आपने, और जो शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है या उससे थोड़ा ऊपर भी है, 60,000 रुपये से नीचे नीचे जितने अफराद हैं जिनकी मंथली इनकम 60-70,000 रुपये है, उससे नीचे जितने भी लोग हैं वो सब मुस्तकीन हैं जिनकी मदद करना हम सब पे फ़र्ज है। डेटा नहीं है, और जो डेटा की अदम मौजूदगी है उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अभी हमें अवेलेबल डेटा पर रिलाई करना पड़ा है, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब का सर्वे होना चाहिए और हमारे पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए कि पंजाब में किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि अभी डेटा स्कैटर्ड है, पॉकेट्स में है, तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब के पास एक इफेक्टिव, रिलायबल, सेंट्रलाइज्ड डेटा की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारे इनिशिएटिव्स उसी चीज़ पर बेस्ड होंगे। अब मेरे दिल के बहुत करीब जो एक मेरा एजेंडा है, मेरा मिशन है, वो पंजाब के जो यूथ है उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आना। उसके लिए जनाब स्पीकर, थैंक यू। और मैं जनाब स्पीकर, उस पर मेरी खसूसी, मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरी तवज्जो भी है, और उसको मैं इंशाल्लाह आज से मैं उसको देख रही हूँ, और उसमें मेरे जो मेरा पूरा प्लान है वो रेडी है, और उसमें बहुत तरह के मंसूबे, हर तरह की जो यूथ है उसको कैटर करने के लिए मैंने जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो बनाए हैं। और फिर मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा मेरिट पे मेरिटोरियस है, पूरा उतरता है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है आला तालीम के लिए, उसके लिए हुकूमत पंजाब उसके लिए वसाइल फराहम करेगी इंशाल्लाह। और उसके लिए हम ना सिर्फ एक जो पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो है PEEF, ना सिर्फ उसको रिवाइव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, फ़ी री एम्बर्समेंट स्कीम है जिसमें जो फ़ी दे चुके हैं हम उनकी फ़ीस उनको वापस करेंगे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि बहुत ब्राइट बच्चे, लड़के लड़कियाँ हमारे ऐसे हैं जो जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, जिनके पास वो मेरिट है, जिनके पास वो सलाहियतें हैं कि उनको IV League यूनिवर्सिटीज़ में और दुनिया की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में उनको दाखिला मिले, लेकिन वो उनके वसाइल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो मैं आज, हम थोड़े से शुरू कर रहे हैं क्योंकि वसाइल की भी कमी है, और हकूमत के पास कोई ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन आप सबको पता है, तो मैं आज एक हम मेरिट क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला जो तादाद हम मुकर्रर करेंगे, उस तादाद में जो बच्चा उस मेरिट पे, जो नौजवान बच्चा बच्ची उस मेरिट पे पूरा होगा, उसका उतरेगा, उसका जो इंटरनेशनल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो IV League यूनिवर्सिटीज़ हैं या वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
उसमें पूरा खर्चा जो है वह हुकूमत पंजाब अदा करेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा यूथ के लिए मेरे पास एक यूथ लोन प्रोग्राम है। नवाज शरीफ साहब ने 2013 में पहली जिम्मेदारी जो मुझे दी थी, बड़ा एक्सटेंसिव उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, जिसके नीचे बहुत सारी स्कीम्स थी, तो वो सब स्कीम्स को इंशाल्लाह हम रिवाइव करेंगे और उसमें हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स शामिल हैं, उसके अंदर हमारा यूथ की ट्रेनिंग स्कीम्स शामिल हैं, उसमें स्मॉल बिजनेस लोन स्कीम शामिल है, उसमें यूथ लैपटॉप स्कीम्स शामिल हैं। लैपटॉप्स चाहिए लैपटॉप्स देंगे, आईपैड्स चाहिए आईपैड्स देंगे, टैबलेट्स चाहिए टैबलेट्स देंगे इंशाल्लाह ताला, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम हुकूमत पंजाब के वसाइल में नौजवानों को के लिए और स्टूडेंट्स के लिए मैं मुहैया करूंगी, हाजिर करूंगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, मैं बहुत सारे इदारों में इस वक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन वो पीस का इदारा है, बड़ा अच्छा इफेक्टिवली इस वक्त काम कर रहा है, और भी इदारे हैं, तो मैंने उनको ये कहा है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को और ज़्यादा बढ़ाएं और पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें कम से कम जो एक आपके पास इंटर्न आता है उसकी 25,000 महीने की जो है वो होनी चाहिए, तो ताकि वो साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल करें और साथ साथ जो है वो अपना जो खर्चा है वो भी अपने माँ बाप का बोझ बांटने के काबिल हो जाएं। इसके अलावा जो आईटी स्टार्टअप्स हैं ये लो हैंगिंग फ्रूट है, आप अपने नेबर्स में देख लें, इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, तो मैं और हम बहुत पीछे उनसे, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास बासलाहियत नौजवानों की लड़कों की लड़कियों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं है उनकी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने घर बैठे बैठे कारोबार बच्चे शुरू करें, उनको वो वसाइल हम मुहैया करें जिसके अंदर उनको जो अमाउंट हम दे सकते हैं वो दें, ताकि वो अपने कारोबार शुरू करें, अपने साथ और लोगों को एम्प्लॉय करें और फ्री लांसिंग शुरू करें। हम उसके लिए उनको जो स्टार्टअप्स के लिए जो इनक्यूबेटर्स हैं वो भी बना के देंगे, उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर इंश्योर करेंगे कि जो काम उन्होंने किया है उसका भी जो उनको जहाँ पर वो नौकरियाँ चाहते हैं या जहाँ पर वो उनका जो एंड गोल है उनके दिमाग में, वो भी हम उनको हाथ पकड़ कर वहाँ तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं वो हम स्टूडेंट्स को भी देंगे और नौजवानों को भी देंगे, वो हमने एक प्लान बना लिया है इंशाल्लाह, ताकि उनके पास एक अपनी सवारी हो जिसपे वो अगर कोई छोटा कारोबार करना चाहें वो करें, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी आना जाना है वो करें और काम है वो करें, तो ये जो एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स है वो भी हम एक प्लान जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जैसे जैसे मैं खुद यूथ के साथ अपना इंटरेक्शन रखूंगी, मेरे दरवाजे चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे